एक्सेल की एक माइंड ब्लोइंग ट्रिक मेरे पास है, वो मैंने सीखी, आपसे शेयर करूँगा। टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन के बारे में काफ़ी लोग जानते होंगे, मैं रिमाइंड करा देता हूँ आपको। ये हमारे पास अली रज़ा लिखा हुआ है, हमने इसको सिलेक्ट करना है, डाटा की टैब में जाना है और हमारे पास टेक्स्ट टू कॉलम एक ऑप्शन होता है, इसको हमने ओके करना होता है। उसके बाद आपसे डिलीमिटर पूछता है, डिलीमिटर का मतलब होता है कि इन दोनों नाम के दरमियान स्पेस है, कॉमा है, डॉट है या एट द रेट है, जो भी है। यहाँ पर इस केस में हमारे पास स्पेस है, तो हम स्पेस पे जैसे ही चेक लगाएंगे एक लाइन आ जाएगी, नेक्स्ट करेंगे और देन हम फिनिश कर देंगे, तो क्या होता है ये अली और रज़ा ये अलग अलग कॉलम में हो जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसी टास्क दी जाए कि ये नाम जो हैं वो जोड़ कर लिखने हैं, ये आपके पास सारे नेम्स दिए गए हैं जैसे साजिद नदीम, आमिर खान, ये मिला के लिखना है आपने, तो आपने जस्ट क्या करना होगा, सबसे पहले आपने एक नेम लिखना है कि अली और रज़ा, ये मिला के लिखना है। आपने जस्ट पहले एक नेम लिखना है अली, उसके बाद लिखना है रज़ा, इंटर प्रेस करना है। आप नीचे सेल पे आ जाएंगे और अपने कीबोर्ड से आपने प्रेस करनी है कंट्रोल ई, और आप देख सकते हैं सारे नाम जो है वो ऑटोमेटिकली ज्वाइंड हो गए।